मैं तुम्हें खाऊंगा। कुछ भी बोलते हो ना मुझे हर नाम से ही रहना तो। नहीं मैं लव इट हियर। लव लेकिन अदरक वाली थोड़ी अच्छी लगती है। चलो मैं खाती हूँ, भूख लगी बहुत तेज। तो गाइस जैसे ही ब्रेकफास्ट खत्म हुआ उसके बाद मैंने बी नेचुरल की वीडियो एडिट की और एडिट करने में बहुत टाइम लग गया और मुझे नींद भी आ रही थी आज। ऐसे ऐसे एडिट कर रही थी ऐसे, तो उसमें क्या ब्लॉग बनाती। अभी 3:30 होने को आए लंच में, आज मैं लेट हो चुकी हूँ। सीधा ब्रेकफास्ट के बाद मैं लंच का व्लॉग शूट कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि हर घंटे का कुछ कुछ मिनट व्लॉग में शूट करके आपको दिखाऊंगी, बट इट्स नॉट पॉसिबल। जब मैं अपना एडिटिंग का काम कर रही हूँ तो पूरा फोकस मुझे वहाँ देना पड़ता है, तो प्रिंस भी नहीं है तो मुझे अकेले ही मैनेज करना है। तो अभी सीधा लंच का मैं आपको दिखाती हूँ लंच में क्या है आज। तो सी आलू मेथी की सब्जी, दाल, रोटी, हमेशा की तरह रायता और राइस। ये मुझे बहुत पसंद है, ये मुझे बहुत पसंद है खाने में। आप लोग क्या लंच कर रहे हो आज शेयर करो। मतलब मुझे लगता है कि आपके प्लेट में जो भी खाना है ना वो बैलेंस फूड होना चाहिए। सिर्फ दाल या सिर्फ चावल ही नहीं, हर एक चीज थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लो, कम खाओ लेकिन पूरा बैलेंस डाइट लेकर के खाओ। वरना मुझे तो इतनी एनर्जी मिलेगी नहीं आजकल। वैसे भी मैं थोड़ा लो फील कर रही हूँ क्योंकि गर्मी मुंबई में हद से ज़्यादा बढ़ गई यार। अभी मैंने न्यूज़ देखा और उसमें था कि 5 साल का रिकॉर्ड कुछ टूटा है, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। इतना तो दिल्ली में हुआ करता था, मुंबई में इतनी ज़्यादा गर्मी पहली बार देख रही हूँ। और इस हाइट पे घर लेने का ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि बहुत गर्मी यहाँ पे पड़ रही है। ये तो रही गर्मी की बात, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे बहुतों से सुना है कि यहाँ सर्दियों में और बारिश के दिनों में बहुत मज़ा आता है क्योंकि बादल एकदम घर के बाहर नजर आते हैं बालकनी से। मैं वेट कर रही हूँ जल्दी से रेनी सीजन आ जाए और मैं आप लोगों को यहाँ का बादल, बारिश और वो औसम मौसम दिखा पाऊँ। वाओ, मतलब मनाली और मसूरी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा हमारे पड़ोसियों का मानना है। अब देखते हैं ये बात कितनी सच है। ठीक है, तो खाना ठंडा हो रहा है, मैं खा लेती हूँ और फिर आपसे आगे की वार्तालाप करती हूँ। ठीक है, हे गाइस, मैं आपको कुछ न्यू लॉन्चेस दिखा रही हूँ।
जैसे कि मैंने आपसे पूछा था तो मुझे रिक्वेस्ट आई आई एम्स्टरडैम के न्यू नेल पेंट के बारे में रिव्यू करने के लिए। तो फिलहाल मैं आपको एक ही शेड दिखा रही हूँ जो मुझे सबसे प्यारा लगा। लड़कियों के और टीनेजर्स के नेल्स पे ये बहुत प्यारा लगने वाला है। प्यारा पीची सा कलर है, एकदम मैट है, पैकेजिंग बहुत ही प्यारी है, क्यूट सी। दूसरा ये एक और NYBAE का हाइलाइटर केक नया लॉन्च हुआ है। पैकेजिंग देख रहे हो कितनी सॉलिड है ना, और क्यूट भी है। ये खोलते हैं तो आपको गोल्डन हाइलाइटर विथ मिरर मिल रहा है। इसमें बहुत सारे शेड्स आए हैं, आई थिंक शायद 3 आए हैं। मैं फ़िलहाल आपको गोल्डन वाला दिखा रही हूँ, और एकदम ज़्यादा चंकी ग्लिटर नहीं है, फाइन पार्टिकल्स हैं और अच्छा है। मेकअप करो ना करो, हाइलाइटर ज़रूर लगाया करो यार, बहुत अच्छे लगते हैं आपके गाल। ये मेकअप बेस है, ये आपकी रूखी त्वचा को हाइड्रेट मॉइस्चराइज करती है, ओपन पोर्स को क्लोज करती है। कोई भी मेकअप लगाओ, सीसी क्रीम, बीबी क्रीम, फाउंडेशन, कुछ भी लगाओ, उससे पहले आपको मेकअप बेस लगाना होता है। तो ये आप ट्राई कर सकते हो। और ये पंप पैकेजिंग में है, पंप बॉटल में आता है, और जो भी पंप बॉटल में या स्प्रे बॉटल में मेकअप का सामान आता है या स्किन केयर, ना मुझे बहुत भाता है। ये स्टेकवर की मिनीज हैं, पहले भी दिखा चुकी हूँ, लेकिन ये वाले शेड्स वाले मैंने आपको नहीं दिखाए हैं। इनमें आपको बहुत सारे लिपस्टिक्स के कलर्स मिल जाते हैं, आप ट्राई कर सकते हो आपके ऊपर कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है। क्वालिटी उतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, प्राइस कम है, अफोर्डेबल है। तो सिर्फ ट्राई करना हो कि कौन सा लिपस्टिक अच्छी लग रही है तो आप देख सकते हो। क्वालिटी की बात करें तो ये वाली क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये लिप क्रेयॉन फेसेस का, ओ माय गॉड, बहुत ही प्यारा, स्मूथ, बटरी और कलर, पिगमेंटेशन, पे ऑफ, लॉन्ग लास्टिंग, A1, सब कुछ बहुत अच्छा है, ट्राई कर सकते हो आप ये। और दूसरा ये कलर बार का कॉम्पैक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। कलर बार के जितने भी प्रोडक्ट है ना, उनकी पैकेजिंग कुछ कुछ ऐसी सी होती है और बहुत खूबसूरत होती है। ये लोग अपने पैकेजिंग पे बहुत ध्यान देते हैं। स्लीक है, ट्रैवल फ्रेंडली है, देखने में इतना एडोरेबल लगता है, और कलर बार के प्रोडक्ट्स काफ़ी अफोर्डेबल है। मतलब काफ़ी तो वैसे NYBAE और स्टेकवर्की के अफोर्डेबल है, पर उसके बाद कलर बार भी बोल सकते हो अगर डिस्काउंट में आप देख रहे हो तो। ये स्पॉन्ज के साथ आता है, साथ में मिरर भी है, कॉम्पैक्ट भी है, तो आप ये वाला भी ट्राई कर सकते हो, और ये आपका मेकअप को सेट करने में बहुत हेल्प करता है। ये कलर बार का मैं आपको एक और मेकअप रिमूवर दिखा रही हूँ। ये वाला मेकअप रिमूवर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये स्प्रे बॉटल में है। आपको बाकी मेकअप रिमूवर की तरह जो गार्नियर का आता है, आपको कॉटन में डालो फिर फेस पे लगाओ, वैसा नहीं है। सीधा स्प्रे करो फेस के ऊपर और कॉटन से वाइप कर लो मेकअप। बहुत सही वाला इन्होंने पैकेजिंग इसकी डाली है, मुझे पसंद आया। आप बताओ यार, इनमें से आपको कौन सा वाला न्यू लॉन्च पसंद आया है, और कौन सा और न्यू लॉन्चेस जो आए हैं आप उसका रिव्यू मुझसे चाहते हो, उन सबका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने लिए चेक करना ना भूलें। न्यू लॉन्चेस बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, तो अभी स्टॉक में है, आप क्लिक करके लिंक के ऊपर चेक कर लीजिए, ठीक है। वेल हाय गाइस, दिस इज प्रिंस, वेलकम बैक टू मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस। आप सबके लिए पैकिंग रेखा कर रही है अपने तन मन, आप सबके लिए पैक कर रही है, और कर चुकी है लगभग। ओहो, दिखा तो दो। ओह माय गॉड, सब पैक कर दिया। अच्छा, मैं डायरी ले जाकर इसको अलग अलग अपने हाथों से आप लोगों के लिए मैं गिफ्ट पैक कर रहा हूँ। अगर जो जो आएगा, कम से कम हमने 10 लोगों के लिए सोचा है ना। चलो रेखा ही बताएगी। रेखा कह रही नीचे से, मुझे बताओ मेरे तारीफ तो कराओ थोड़ी। लो भाई बोलो, तुम भी बोलो, आ जाओ। मैंने ऐसा कब बोला था? आओ खड़े होके बोलो ना। ओए माँ, चक्कर आ गया यार, अचानक से उठी तो शिट, अंधेरा छा गया। अंधेरा छा गया ऐसे वाले में बंदी। हाँ भाई बताओ। मैं तब से छाट रही। अच्छा देखो, लिपस्टिक रेखा ने नहीं लगाई, मैंने भी नहीं लगाई, पर लिप्स लग रहे हैं कि इसे मैंने लगाई है, मेरा नेचुरल कलर है। तो आप लोग प्रिंस से मिलने आ रहे हो? मैं मिस करूंगा। आई लव यू टू। आप लोग प्रिंस से मिलने अगर आते हो तो आप लोगों के लिए मेरी तरफ से, हमारी तरफ से एक्चुअली सरप्राइज है। गेम वेम खेलेंगे लास्ट बार जैसे खेला था, और जो जीतेगा वो पाएगा। तो चैनल को अच्छे से एनालाइज कर लो, चैनल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अगर आप सही जवाब पहले दे पाते हो तो आपको गिव अवे मिलेगा हमारी तरफ से। तो मैंने मेकअप और स्किन केयर की चीजें पैक कर ली हैं, और आप कितने होंगे विनर? अब ये सब इतनी डिटेल में यहाँ नहीं बताएंगे, आप आओ और खुद देखो, ठीक है। अब कमेंट करके बताओ, इंडिया गेट पे रखे धूप में आएंगे? मैं तो आ जाऊंगा रुमाल बांध के सनस्क्रीन लगाकर, आप भी आ जाना, ठीक है। या फिर साकेत मॉल, दोबारा रिपीट करते करते थक गया मैं, साकेत मॉल DLF नहीं, साकेत में जो DLF मॉल है वहां रखे, या फिर पैसिफिक मॉल जो कि सुभाष नगर में है वहां रखे।
कमेंट करके बताइए, फाइनल करते हैं जल्दी से, या फिर इंडिया गेट। मुझे तुम्हारी याद आएगी। मुझे भी। अभी भी बताओ और कुछ नहीं, बस पैकिंग अब तुम्हारी। वैसे मैच जीतने वाला हूँ, हम हराएंगे रेखा को। यस, षड्यंत्र क्या रचा जा रहा है मेरे व्यूअर्स के साथ मिलकर के? रेखा को हराएंगे, रेखा को हराएंगे, रेखा को हराएंगे, कोई जंग चल रही है क्या? हाँ, तुमने कहा था दो आएंगे सिर्फ, दो लोग। हर बार ऐसे कर रही लड़की, कोई नहीं आएगा सिर्फ दो ही आएंगे। अब कह रही थी, अब तो कल रात कर दो भी नहीं आएंगे। सच्ची बता रही हूँ, दो ही आएंगे। वो देखेंगे, वो वाला ब्लॉग, वो मीट एंड ग्रीट का ब्लॉग रिकॉर्ड करना। मैं देखना चाहती हूँ प्रिंस को हारते हुए कैसा लगता है। रो के तो नहीं ना बाबू? रो के तो नहीं, जोर से मार दिया दिल पर। अच्छा तो बच्चे मत बनो, हाँ मर्द बनो, मर्द मत को दर्द नहीं होता। मूवी आई है, देखी क्या हमने? कौन सी? मर्द को दर्द नहीं होता। ये कौन सी मूवी है? अच्छा आई है। तो पैकिंग हो गई है लगभग, और साथ ही साथ अश्विन का बॉक्स भी आ गया है रेखा के लिए। और रेखा का मुंह देखिए, फेस। जाने का टाइम हुआ तो अब रोतड़ू सा मुंह लेके बैठे हैं। वहाँ पे सब है तुम्हारे लिए, तुम्हारी मम्मी जी है, पापा जी है, हैनी है, सैंडी है, सिया है, भाभी जी है, भैया है, तुम्हारे फ्रेंड्स है, सब फ्री नहीं है, सब फ्री नहीं है, सब अपने काम में। एक दिन से मेरे लिए क्या, ये पूरा 3BHK के अकेले एक लड़की रहेगी। अभी प्रॉब्लम ये भी है कि रेखा को DSLR कैमरा ऑपरेट करना आता ही नहीं है, तो व्लॉग साथ में भी नेचुरल वीडियो, तो हो सकता है आने वाले दिनों में मोबाइल से वीडियो दोबारा रेखा अपने वाले मोबाइल जो अपने पुराने दिनों में वापस आ जाएगी और मोबाइल से रिकॉर्ड करेगी, तो हो सकता है पिक्चर क्वालिटी वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो। ठीक है सर, वही नहीं तो बच्चे इसे डायरेक्शन देते थे, मेरे को कौन डायरेक्शन देगा? और तुमने बोला तुम सिर्फ 2 दिन के लिए जाओगे, तो 2 दिन का कैसे पॉसिबल है यार? तुमने पहले बोला 2 दिन के लिए जाओगे। मीट एंड ग्रीट हमने रख लिया संडे का, तो अब देखिए ना बुधवार कल है और संडे है, तो रुकना पड़ेगा मुझे। और साथ साथ जो मेरा काम है उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आने में भी 3 से 4 दिन लगेंगे। तो 4 दिन से ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लोगे तुम? वो उन पे डिपेंड करता है, मेरे पास कुछ नहीं है, पीछे से काम ऐसे होते हैं, तो मैं क्या करता हूं? जैसे काम खत्म होगा तुम पहली फ्लाइट लेकर के आओगे? पहली फ्लाइट नहीं, मैं ट्रेन से आऊंगा, क्योंकि मैडम के कपड़े हैं, 2 बॉक्स 2 पेटियां रखी है वहां पर, वो सब बैग में ढोते हुए। और मैंने पैकिंग जो की है, ये मेरे 2 बैग है, और ये रेड वाला कुछ इसमें सामान है आप लोगों के लिए गिफ्ट है, और बाकी थैले हैं खाली कपड़े डालने के लिए, और वो वाला मेरा बैग है। अब मुझे एक बार चेकलिस्ट में बोलता हूँ, मैंने पेपर सॉप रख लिया है, सनस्क्रीन रख लिया है, फेस वॉश रख लिया है, सॉप रख लिया है, टॉवल डेली से मैं देख लूँगा। ठीक है और बताओ, टंग क्लीनर और ब्रश, टूथब्रश रह गया वो लेता हूँ, मुझे बोलना मत सदमे में। तो मैं चला मायके, अपने लड़कों का मायके कब से होने लगा? क्यों भाई ये बात बताइए यार, लड़कियों का मायके होता है? अच्छा, लड़की के घर के जो लड़की का जो घर होता है मॉम का, वो मायके बोलते हैं, और जो फादर इन लॉ का घर होता है लड़की का, तो ससुराल बोलते हैं। तो लड़कों का जो घर होता है फादर इन लॉ का, वो भी ससुराल कहते हैं, कहते नहीं कहते? फिर वो अपने मम्मी के घर को मायका क्यों नहीं बोलेगा? मायका क्यों भाई, कोई शास्त्रों में लिखा है ऐसे कुछ? तो मैं चला अपने मायके, प्लीज़ आ जाना, कमेंट करके बताइए कल, मतलब आज व्लॉग जा रहा है तो बताइए इंडिया गेट या DLF मॉल साकेत में। फिर यार लोग कंफ्यूज होंगे, कहेंगे यार हमें कहीं आना ही नहीं है, बाहर में जाओ तुम। तो मैं जीत जाऊंगी, यस। पता नहीं यार, देख लो अब क्या रखे। देखो मॉल में रखेंगे तो 12 बजे भी रख सकते हैं, बाहर इंडिया गेट पे रखेंगे तो सब यही कह रहे हैं कि इवनिंग में रखो, धूप में हम नहीं आएंगे। बहुत से कह रहे हैं इवनिंग में रखोगे तो हम वापस कैसे जाएंगे, हमें दूर जाना होता है, कोई नोएडा से आएगा, कोई कह रहा है गुड़गांव से आएंगे। अब कह तो रहे हैं बहुत सारे लोग, अब देखते हैं आते नहीं आते। आ जाना, गिफ्ट लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए, मेकअप का मिल जाएगा, गेम खेलेंगे, जो जीतेंगे उनको मिलेगा गिफ्ट, 5 से ज़्यादा तो गिफ्ट मैं दे ही दूंगा, हो सकता है 10। अब रेखा को मैं थोड़ा बहुत सिखा रहा हूँ, करना होगा, क्योंकि अब कब तक एक आदमी के भरोसे बैठे रहोगे, खुद भी आना चाहिए ना भाई, बी नेचुरल की ऑनर है, और कैमरा ऑपरेट करना नहीं आता। मुझे मोबाइल से आता, इससे नहीं आता। कार्ड ये ना, ये डॉट डॉट, इसको अपनी साइड ऐसे करो, करो कुछ खाया करो, निकालो ये इस पे ऐसे करके निकालो, कार्ड पूरा निकालो। हाँ, और ये ऐसे लैपटॉप में डालेंगे। हाँ
डालो वापस, उल्टा मत डालना जाएगा। लैपटॉप में डालना भी बता देते हैं। अरे यार वो भी ऐसी ही है अभी, ठीक है ऐसे। हाँ बैटरी, बैटरी का इसकी बैटरी आए। वैसे मैं मोबाइल से ही शूट करूंगी, मैं इसको यूज नहीं करूंगी, पर कभी लगा जरूरत। खोलो अब देखो ना, नीचे झुक के थोड़ा झुको भाई, देखो ये वाइट एक प्लास्टिक दे रखा होगा, गिर जाएगा। एक हाथ ऐसे लगा के रखो, एक हाथ में ये पकड़ा रखो। मैं क्या करूं? वाइट वाले को उस साइड करो, उस साइड। हाँ निकालो निकालो। अब कैसे लगाओगे? ये एरो देखो, एरो देखो, करो उसका बस यहाँ से ऑन कर दोगे तो यहाँ से ऑन ऑफ करना और कुछ चेंज नहीं। ये तो पता ही है ना लड़की हो के हील, ऐसी बात नहीं है। रेखा नहीं पहनती थी, पहनती है, पहना करती भी थी, पर इतना हील फर्स्ट टाइम पहन रही है। नहीं पहन ही नहीं रही मैं, मेरे से भी पहना जाएगा। पहन ही नहीं जा रहा, मैं नहीं पहन रही। ये शीन से मंगवाया था, ये एक्चुअली मेरी दीदी की लड़की ने मंगवाया, पता नहीं वो कैसे पहनेगी, पर मैं तो पहन ही नहीं पा रही, मैं कभी हील पहनती नहीं। थोड़ा चल के दिखाओ। नहीं चल सकती, खड़ी नहीं हो पा रही मैं, चलूं कैसे यार। अब मेरा देखो हिडन टैलेंट। अच्छा पीछे बैकग्राउंड में लड़की चल के दिखा रही है। गॉड के बेटा नहीं बाबू, तुम जा रहे हो, मैं गिर गिर गई, पैर में मोच आ गई है, तो मेरा काम हो जाएगा। जल्दी दो, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे पैर थर 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 आ रहे हैं। बाबू ये बहुत ज्यादा हील है, तुम गिर जाओगे, बहुत ही ज्यादा, इतनी हाई हील मैंने कभी नहीं पहनी। रहने दो बाबू, ज्यादा टशन टशन। बेटा योगा ट्रेनर इज हियर। अच्छा जो ट्रेन किया है वो अपना धंधा बना के बैठे हैं, कमा रहे हैं। बैलेंसिंग भी नाम की होती है बॉडी में, बैलेंसिंग। ये देखो तुम सच में पहनोगे? पागल हो गया? देखिए तो मैं नहीं डालूंगी व्लॉग में सैंडल पहनूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ प्रिंस अभी क्या कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है अभी शीत से सामान आया था, तो उसमें मैंने पहली बार इतनी हील वाली सैंडल्स मंगवाई हैं। इसकी हील पास से दिखाती हूँ आपको, ये रही इसकी हील, लाइफ में पहली बार। और रेखा वॉक ही नहीं कर पा रही है इस पर पहनकर, खड़ी नहीं हो पा रही। मैं देखता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ खड़ा होकर दिखाता हूँ। प्रिंस को मैंने भी चैलेंज दिया है कि जरा पहन करके दिखाओ ये हील्स। तो पहली बार प्रिंस सैंडल पहन रहे हैं, है ना, लाइफ में पहली बार पहन चुका हूँ। बाबू गिर मत जाना, तुम्हें जाना है सुबह सुबह दिल्ली निकलेंगे। बाबू गिरना नहीं, इसे बैलेंस कहते हैं। उधर ले जाओ कैमरा, लाइट ऑन कैमरा, बस हाँ। आप देखो गिरना नहीं, गिरना नहीं। पहली बार हाई हील, हाई हील पे चल रही है वो गाना ना। बाबू गिर जाओगे, मत नाचो इतना बाबू, गिर जाओगे, मत करो। सामने ले लो, चलो। आवाज आपको आ रही होगी बच्चे की, तुम्हारे घर पे एक गेस्ट आए हुए हैं तो उनकी बेबी की आवाज है। वैसे मैं मानना पड़ेगा प्रिंस, ये पहन करके मैं एक कदम भी नहीं चल पाई थी और प्रिंस इतना चल पाए, वाओ। देख लो, हैट्स ऑफ टू यू डूड, यू आर ऑसम, गिव मी हाई फाइव ब्रो, ब्रो डूड सॉरी, गिव मी हाई फाइव। इसे कोनी से हाई फाइव कौन देता है? दिस इज माय स्टैंड तो देखा आपने, थोड़े पसीने आ गए। रेखा की बोलती बंद हो गई और जो नेबर वगैरह बच्चे आए थे वो हंस रहे थे। इसे कहते हैं टैलेंट। हाँ, आप भी अपने हस्बैंड बॉयफ्रेंड से कहिए पहन कर दिखाइए, जीजू की तरह वॉक करके दिखाइए। है किसी में दम? मेरे पति में है दम।
है किसी में दम, मेरे पति में है दम। ऐसे बोल राइमिंग करना नहीं आता तुम्हें। थक गई, अब बाबू जाएगा। चलो अब मैं जा रहा हूँ अपने माइक के आगे। नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलेगा कि प्रिंस चला अपने माइक के। ओह माय गॉड। चलो चलो गाइस, आज का व्लॉग आई होप आप लोगों को पसंद। हाथ पकड़ के रखती हो, खुला रहने दो हस्बैंड को। बाय गाइस, बाय।